हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तरह की आलू बंधा गोभी की सब्जी आपने खाई तो बहुत बार होगी, लेकिन इस तरह से मेरी ट्रिक से आप लोग पहली बार खाएंगे। देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए फिर वीडियो मैं शुरू करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टीस्पून जो है सरसों का तेल डाल दिया है। कढ़ाई मैंने पहले प्री हीट करने के लिए रख दी थी और तेल डाला उसके बाद में, तो तेल काफ़ी जल्दी ही गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी पिंच ऑफ हींग और थोड़ी सी, 1 चम्मच के जितना डालूंगी मैं ज़ीरा, थोड़ा सा डालूंगी मेथी का दाना। मेथी दाने से बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और मेथी गर्म भी होती है, हींग भी गर्म होती है। सर्दियों में थोड़ा सा गर्म चीज़ों का थोड़ा सा सेवन ज़्यादा करें, कुछ दिन जब ठंड ज़्यादा पड़ रही हो। तो आप देख सकते हैं तेल में जाते के साथ सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई है। अब इसमें मैं डालूंगी बड़े साइज़ के का 1 प्याज था, और छोटे छोटे साइज़ के अगर आप डालें, मीडियम साइज़ के तो 2 है। ये वाली सब्जी आपने खाई तो बहुत बार होगी, लेकिन मेरे तरीके से इस बार आप देख के ही समझ जाएंगे कि कितनी अलग और कितनी टेस्टी बनेगी। जब बना के देखेंगे तभी पता चलेगा। प्याज भी डाल दिया है, अच्छे से हम सॉटे करेंगे प्याज को। हमें एकदम ब्राउन नहीं करना, लेकिन हाँ अच्छे से गला लेना है और हल्का ब्राउन कलर ले आना है। तो 4-5 मिनट हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे देख अपने चलाते हुए भून लेंगे, और फ्लेम ज़्यादा लगे, आपको लगे प्याज जल रहा है, तो आप फ्लेम लो कर लीजिए, लो मीडियम कर लीजिए। कुकिंग में मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फ्लेम को घटाते बढ़ाते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं प्याज़ों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इसको 4-5 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको छोड़ के अपने रूम में चली गई बस 1 मिनट के लिए। देखिए कितना डार्क हो गया, जबकि इतना मुझे करना भी नहीं था। तो यही मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि या तो आप जाएँ किसी भी काम से 1-2 मिनट के लिए तो लो करके जाएँ, नहीं तो यहीं पे रह के जो है ध्यान दें। अगर मैं लो करके जाती तो नहीं जलती, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जो मुझे डार्क ब्राउन नहीं करना था उस स्टेज पर जाने लगी है, कोई बात नहीं। फ्लेम मैंने एकदम लो कर दिया है, तो अब मैं डालूँगी मेरे जो है चॉप्ड आलू रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मेरे चॉप्ड आलू रखे हुए हैं। आराम से प्यार से डालेंगे, लेकिन पानी में डाल के रख देती हूँ काटने के बाद में, जिससे इनका कलर थोड़ा सा ब्लैक सा नहीं होता और इनमें फ्रेशनेस बनी रहती है। आप 1.5 घंटे पहले भी कट करके रख दें, बस पानी में रख दें। तो 5 जो है बड़े साइज के मेरे आलू होंगे, उन्हें मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा चला लेते हैं इस तरह से। इसी के साथ में मैं डालूंगी यहाँ पे कुछ चीज़ें। आलू के बाद में मैं डालूंगी यहाँ पे कैबेज। तो मैंने यहाँ पे कैबेज को जो है कट करके उसको भी पानी में डाल के रख दिया था। तो यहाँ पे कम से कम मैंने जो है 350 ग्राम के वजन का कैबेज इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छे से करेंगे मिक्स। अभी हम कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे, कैबेज और आलूओं को हम अच्छे से जो है हल्का सा पकने देंगे ऐसे ही अपनी अपनी जो है मॉइस्चर में। एक सेकेंड, आलू और कैबेज को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्लेम कर दिया है लो मीडियम, और ढक के इसको कम से कम 5 से 7 मिनट में पकने दूंगी ऐसे ही बिना पानी और बिना किसी मसाले के साथ में।
तो हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमें लगभग 40% गला लेना है आलूओं को, उसके बाद स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। अभी भी मैंने इसका कवर हटा दिया है और अब मैं चलाती हूँ। अभी हल्का सा मॉइस्चर बाकी है इसमें, तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। एक चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है, और साथ ही में मैं डालूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट। बस आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि ये हरी मिर्च की है। साथ ही में मैं डाल दूंगी इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून जितनी हल्दी और ज़्यादा नहीं, और लगभग एक चम्मच जितना मैं नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा, और अभी एक चम्मच हुआ नहीं है। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस नहीं डालूंगी मैं, अब इनको करूंगी मिक्स अच्छे से। इस तरह से आलू और पत्ता गोभी की सब्जी आपने पहले नहीं खाई होगी, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। हर बार के टेस्ट से एकदम हटके लगेगी और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप नॉर्मली लहसुन अदरक हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, फ्लेम फिर से लो मीडियम करके 5 से 10 मिनट के लिए मैं फिर से कवर करके पकाऊंगी। तो देखते हैं 5 से 10 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, अभी फिर से मैंने इसका ढक्कन अनकवर कर दिया है और अभी लगभग आलू 90% कुक हो गए हैं। अब बचे हैं 10%, तो वो मैं ऐसे ही ओपन करके करूँगी। बस अब लगभग 5 से 6 मिनट और लगेगा, तो मैं मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। जलने का कोई डर नहीं क्योंकि मैं सामने खड़ी हूँ। तो अभी 4-5 मिनट इसको हम और अच्छे से पका लेते हैं, फिर मैं चेक कर लूँगी हमारे आलू गल गए नहीं। देख सकते हैं अभी सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, पत्ता गोभी की, और इस तरह से बहुत ज़्यादा। आप लोग भी ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। मेरा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग 4-5 मिनट इसको अच्छे से स्टर करते हैं, चलाते हैं, भूनते हैं। तो मेरी जब तक सब्ज़ी हो रही है तब तक मैं यहाँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय करने जा रही हूँ। इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, अच्छा सा गर्म पानी किया है, उसको कप में डाला है, आधा चम्मच मैंने कॉफ़ी डाली है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए मेरी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर एकदम तैयार है। सुबह सुबह मैं रोज़ 1 कप ज़रूर पीती हूँ, और अगर ये ना पी पाऊँ तो मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, सादा नॉर्मल। तो आप लोग भी इस तरह से जो है सुबह सुबह एक रूटीन बनाइए, दिन भर आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है और बॉडी की ये जो है डिटॉक्स का काम भी बहुत अच्छा करती है। तो चलिए फिर सबसे पहले कमेंट से बताइएगा मेरे कप आपको कैसा लग रहा है। आप सब्जी का वेट कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है, मेरी आलू पत्ता गोभी की चटपटी मसालेदार सब्जी एकदम तैयार है। आपने देखा किस तरह से मैंने झटपट बनाई, थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ में। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे, चावलों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत यमी लगती है। आप लोग बना के देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।